गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग पुलिस ग्राउंड में भी वन एवं परिवहन मंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली तथा उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह दुर्ग जिले में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग परिवहन आवास एवं पर्यावरण विधि व विधायी कार्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने दुर्ग के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुर्ग जिले की जनता के नाम का संदेश वाचन किया। उन्होंने उल्लास एवं उमंग के प्रतीक रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े। गौरतलब है कि मुख्य अतिथि मंत्री मोहम्मद अकबर ने ध्वजारोहण पश्चात समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। वहीं समारोह में संभाग आयुक्त कावरे, आईजी ओपीपा, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसपी बद्री नारायण मीणा, विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल महानुभावों और उस दौर की विभूतियों ने भारत की नव निर्माण की नींव रखी थी, उसी पर देश बुलंदियों के नए नए शिखरों पर पहुंचा है। मैं उन सभी के योगदान को याद करते हुए सादर नमन करता हूँ। आज खड़े होते हैं तो आन बान और शान से लहराते हुए तिरंगे में हमें अपनी महान विरासत के अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, जो हमें भाव विभोर करते हैं और गौरव का एहसास दिलाते हैं। हमें अपनी आजादी को दाई दीदी, भाई बहनी, संगवारी और मयारू, नोनी बाबू मल्ला, जय जवाहर। आज भारत के 73वां गणतंत्र दिवस हवे। हम भारत के लोग के बनाए अपन संविधान ला लागू करे के पावन दिन है। ये बेरा मा मैं आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत हूँ। जब हम अपने गौरवशाली संविधान की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने उन अमर शहीदों के चेहरे नजर आते हैं जिनकी बदौलत भारत आजाद हुआ था। अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधूर जैसी विभूतियों की बदौलत 1857 की क्रांति के पहले से हमारा छत्तीसगढ़ भारत की राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा था। आज़ादी के आंदोलन से लेकर गणतंत्र का वरदान दिलाने तक जिन महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया, उन सबको मैं सादर नमन करता हूँ। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।